प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। तीन प्रकार की तकनीकें होती हैं जब पर्सनैलिटी के टेस्ट की हम बात करते हैं, पर्सनैलिटी मेजरमेंट या पर्सनैलिटी असेसमेंट या पर्सनैलिटी टेस्ट, एक ही बात है ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक आपको पहचाननी है, यानी प्रक्षेपी तकनीक। आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, सब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, अभी उस पर चर्चा करेंगे। बट आपको अभी प्रोजेक्टिव टेक्निक को यहाँ पे पहचानना है चार ऑप्शंस में से। पहला है रेटिंग स्केल, दूसरा है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, और फोर्थ ऑप्शन इज थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। फटाफट से बताएंगे, सबका इसमें अलग अलग जवाब होगा। अवलोकन कैसे हो जाएगा भाई? देखो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेसिकली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से मतलब है कि एक माहौल में आपको रखा गया है और आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया जाता है कि टीचर आपको कुछ करते हुए क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट में डालेंगे। यहाँ पे रेटिंग स्केल ऑब्जेक्टिव है, इंटरव्यू को कई बार हम सब्जेक्टिव में डालते हैं, अभी मैं बताऊंगी ये अलग अलग कैसे हैं क्या है। ऑब्जर्वेशन को भी सब्जेक्टिव में डाल देते हैं या ऑब्जेक्टिव में डालते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का ऑब्जर्वेशन है, कंट्रोल्ड है, नॉन कंट्रोल्ड है। ठीक, तो ये हुई एक बात। आंसर क्या बचा आपके पास? टेट, जिसको हम कहते हैं TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और उसमें कुछ स्टोरी आपको बतानी होगी, जो वो पिक्चर देख के आपके दिमाग में आती है और जो स्टोरी आपने बताई है उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्टिव है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है प्रक्षेपण, जैसे टॉर्च लगा रहे हैं ना कहीं पे तो लाइट दिखेगी, वैसे ही प्रक्षेपण में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके दिमाग में क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है किसी एक पिक्चर को देख करके। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक यहाँ पे थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट ही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। टेट ऐसे दिखते हैं, कुछ कार्ड्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था ये टेस्ट, हस्बैंड वाइफ हैं। मॉर्गन एंड मुरे ने कुछ कार्ड्स दिए कि अब आपको उन कार्ड्स के बेसिस पे अलग अलग चीजें दिखाई जाएंगी, उन पिक्चर्स में कुछ कार्ड्स होंगे, उन कार्ड्स में और उन कार्ड्स के आधार पर आपको क्या दिखाई देता है, आप अपनी एक स्टोरी बनाएंगे। तो वो जो स्टोरी होगी वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगी। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रक्षेपण विधि है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी टेस्ट के तीन तरीके होते हैं, तीन विधियां होती हैं। सब्जेक्टिव मेथड है ना, जिसको हम सब्जेक्टिव मेथड को कह देते हैं व्यक्ति परक, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। ठीक, व्यक्ति परक विधि। ऑब्जेक्टिव मेथड्स को हम वस्तुनिष्ठ कह देते हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, चार ऑप्शन है आपके सामने और एक पिक करना है, वस्तुनिष्ठ। प्रोजेक्टिव मेथड्स यानी प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि। ठीक है, समझते हैं कहानी क्या है। देखिए सब्जेक्टिव मेथड्स वो मेथड्स है जहां व्यक्ति खुद अपने बारे में बता रहा है या उसका कोई रिलेटिव उसके बारे में बता रहा है। ठीक, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हैं, जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज आपने सुनी है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी जो है फेमस है, जो स्वयं से लिखी जाती है, बायोग्राफी कोई और लिख रहा है तो। ठीक, तो ऑटोबायोग्राफीज हो गई, यहाँ पे केस स्टडीज हो सकती है, किसी रिलेटिव का कोई कथन हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। तो सब्जेक्टिव है, अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, है ना, अलग कहानी होगी उसके नजरिए से होगी और वो कहानी। ठीक, ऑब्जेक्टिव मेथड्स में आपकी चेकलिस्ट या रेटिंग लिस्ट, रेटिंग स्केल टाइप की चीजें आ जाएंगी, जो जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीचर है वो ऑब्जर्व कर रहा है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ये आपका थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, वर्ड कंप्लीशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं कि आपको कुछ हाफ सेंटेंस दिया गया और कंप्लीट करना है उसको, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता लगेगा कि आप किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो ये तीन प्रकार होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के, याद आ रहा होगा उन लोगों को जिन्होंने अभी हमने बैच में रिसेंटली ही पर्सनैलिटी का चैप्टर कंप्लीट किया था। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं और समझते हैं कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए लीस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट नहीं लिखा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, लीस्ट इंपॉर्टेंट सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व पहचानना है चार ऑप्शन में से। पहला है सिलेबस, यानी सिलेबस सबसे कम महत्वपूर्ण है, टीचर महत्वपूर्ण सबसे कम है, या फिर एनवायरमेंट सबसे कम महत्वपूर्ण है यानी पर्यावरण, और या फिर कोऑपरेशन यानी सहयोग कम महत्वपूर्ण है। अब ये क्वेश्चन देख करके ऐसा लग सकता है कि इसका जवाब कुछ और होना चाहिए, बट आप कुछ और दे रहे होंगे, मैं एक बार पोल में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको जवाब बता दूंगी तो फिर आप बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, उसी पे क्लिक कर देंगे, जो कि अच्छी बात नहीं होगी, चीटिंग नहीं करनी है। गुड इवनिंग भाई पूनम, नम्रता, चलिए खैर। तो यहाँ पे पोल मुझे शो ही नहीं हो रहा फोन में, 61% लोग एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। देखो एक नजर में ऐसा लग सकता है कि इसका जो ऑप्शन होगा सही या सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, जो कि है नहीं। समझते हैं कहानी क्या है। लीस्ट इंपॉर्टेंट, देखो लीस्ट इंपॉर्टेंट इन दी लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो हम यहां अगर ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से देखें, ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से देखें, जिसमें हम बात करते हैं टीचर की, स्टूडेंट की, या फिर एनवायरमेंट की, सिलेबस करिकुलम का ही हिस्सा हो जाएगा, तो एनवायरमेंट में कोऑपरेशन अपने आप आ जाएगा, ये कह सकते हैं। बिना सिलेबस के गाइडलाइन तो चाहिए ना, हमें बिना सिलेबस के थोड़ी चलेंगे, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कोऑपरेशन के साथ जाया जाएगा, है ना।
कोऑपरेशन के साथ जाएंगे, जब सहयोग एनवायरमेंट में ही होगा ये मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है वेस्ट बंगाल टेट में 2014 में और बोर्ड ने भी इसी को माना था और उसका रीजन है, मतलब वो पेडागॉजी में कुछ रीजन अपने आप बना लेते हैं ना, जो क्वेश्चन बनाता है वही रीजन भी बना देता है कई बार, और पॉसिबल है क्योंकि मैथ्स नहीं है, 2+2 4 नहीं होता। ठीक, तो सिलेबस है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में ही कोऑपरेशन होगा, वो एनवायरमेंट हेल्दी होना चाहिए जिसमें कोऑपरेशन और ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। टीचर इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, सिलेबस या करिकुलम महत्वपूर्ण है डायरेक्शन के लिए, गाइडलाइन के लिए, और एनवायरमेंट हेल्दी होगा तो कोऑपरेशन उसमें अपने आप शामिल होगा, ऐसे इसको मान सकते हैं। तो हम जाएंगे डी मतलब फोर्थ ऑप्शन के साथ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म इंटेलिजेंट कोशेंट, अगर मेरा मतलब मुझे मौका दिया होता तो मैं भी वही चूज करती जो सिलेबस आप लोगों ने किया है। द टर्म इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आईक्यू इंट्रोड्यूस या बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय है या कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, पहला है बिने, फिर है विलियम स्टर्न, थॉर्नडाइक या नन ऑफ द अबव, बताइएगा फटाफट बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं बिने, यार बिने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, बुद्धि का पहला परीक्षण 1904-5 के अराउंड, एल्फ्रेड बिने और इनके एक सहयोगी थे थियोडोर साइमन, इन लोगों ने मिलकर के फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। टेस्ट की बात नहीं हो रही है, आईक्यू की बात हो रही है, इंटेलिजेंस टेस्ट के आने के कई साल बाद जो है आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया है, इंटेलिजेंस टेस्ट आ गया था 1904-5 के अराउंड और आईक्यू का कॉन्सेप्ट आपका जाकर के आया है 1912 के अराउंड या 1908 में मेंटल एज और 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट। तो विलियम स्टर्न इज द राइट आंसर, है ना, विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, और यहाँ पे अगर हम थर्स्टन की बात करें तो उन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया प्रॉपर रिवाइज करके। तो ये 2-3 नाम है जो आपको याद रखने होते हैं इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ेंगे, ये टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है अलग अलग जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द नेचर ऑफ चाइल्ड्स कंप्लीट डेवलपमेंट, बालक के संपूर्ण विकास की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा है बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट का, फटाफट से बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइको फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, बताइएगा एक बार, अलग अलग देखते हैं। हाँ, ब्रेन कमेंट ज्यादा ही आते हैं। तो बालक के कंप्लीट डेवलपमेंट यानी एक ओवरऑल डेवलपमेंट संपूर्ण विकास की जब हम बात करेंगे तो कैसी प्रकृति पाई जाएगी, ये पूछा है। साइकोलॉजिकल पाई जाएगी यानी मनोवैज्ञानिक है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक है नहीं, विकास में तो शारीरिक पहलू भी है तो ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक पहलू है नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों पहलू होते हैं कंप्लीट विकास में। तो साइको फिजियोलॉजिकल यानी साइको का मतलब मन से है, माइंड से है, तो मनो शारीरिक यानी मन और शरीर दोनों मिलकर के कंप्लीट डेवलपमेंट बनाएंगे, ना कि सिर्फ बायोलॉजिकल या सिर्फ साइकोलॉजिकल। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, आसान सा सवाल है तो फटाफट से जवाब देंगे आप लोग। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, किसी व्यक्ति का विकास निम्नलिखित 4 कारकों में से किन्हीं 2 पर निर्भर करता है, फटाफट से बताओ, जल्दी जवाब दो। 4 कारक है, उनमें से 2 चूज करने हैं व्यक्ति के विकास के लिए, इन्हीं 2 फैक्टर्स पे एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो है डिपेंड करेगा। फटाफट से 2 पेयर चूज कर लीजिए, हेरिडिटी यस, अनुवांशिकता बिल्कुल महत्वपूर्ण है विकास में, एनवायरमेंट जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज एबिलिटी एनवायरमेंट और हेरिडिटी में ही आ जाएगी दोनों, मतलब एनवायरमेंट का जो रोल है वो है और हेरिडिटी का भी अपना रोल है। ठीक, तो हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ कि लैंग्वेज एबिलिटी उठा लें, इमेजिनेशन हेरिडिटी यानी आपकी कॉग्निटिव पावर से रिलेटेड होगी। तो आप कुछ भी नहीं है सिवाय प्रोडक्ट है किसकी, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के, या तो आपको कोई चीज हेरिडिटी से मिली है या आपने एनवायरमेंट से पिक किया, यानी दोनों का एक तरह से प्रोडक्ट मिल करके आप हैं। ठीक, तो ये क्या है, दोनों ही बातें सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो डेवलपमेंट में 2 ही फैक्टर महत्वपूर्ण है, बाकी सारे फैक्टर इन्हीं दोनों के अंदर आ जाते हैं, या तो अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स आपके या फिर एनवायरमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों बातें सही है, ये दोनों फैक्टर्स हम चूज कर लेंगे, बाकी दोनों इन्हीं में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लास रोज लाइव होगी मैम, मंडे टू फ्राइडे तो रखेंगे, देखो सैटरडे संडे थोड़ा सा, पहले तो सैटरडे संडे भी होती थी बट पिछले 1-1.5 साल में सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ ही कर दिया है, जब तक बहुत नजदीक पेपर ना हो, बहुत ही जरूरी चीज ना हो। ठीक, पहले तो 7-8 दिन जितने दिन होते हैं दुनिया में सब दिन क्लास होती थी, मल्टीपल क्लासेस होती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अमंग दी, अभी थोड़ी ऐसे सीनियर हो गए हैं बुजुर्ग, देखिएगा एक बार, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अमंग दी 3 लॉज ऑफ लर्निंग, हु डेवलप्ड दीज लॉज, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम है ना, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, और क्या है, दुनिया भर की बातें हैं, वो जो रस्सी वाला एग्जांपल है कि जो छोटी चींटी बार बार दाना लेके चढ़ती है गिरती है, ये होता है वो होता है, यानी अभ्यास करते रहो तो बात बन जाएगी। ये किसने दिया है नियम, 3 सीखने के नियम है, लॉज ऑफ लर्निंग है, 3 मुख्य प्राइमरी लॉज जिनको हम कहते हैं, बाकी के 5 जो है वो सेकेंडरी है, किसने दिए हैं वो 3 क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी आप तत्पर हो, अगर आप सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं सिखा पाएगी, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज इसी के अंदर आता है कि अगर आप किसी चीज को यूज करेंगे, यानी बाइक रोज चला रहे हैं मतलब कोई जो भी लर्निंग आपकी है उसको अगर आप यूज में रहती है तो वो एक्टिव रहेगी, नहीं तो डिसयूज में होगी तो वीक होता जाएगा बॉन्ड। ठीक, तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज के ही अंदर आता है, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। फिर थर्ड आ जाता है आपका लॉ ऑफ
इफेक्ट, प्रभाव का नियम, जिस व्यक्ति का, जिस जगह का, जिस स्थान का, जिस भी चीज का आप पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है आप वो दोबारा करना चाहते हैं, जो रिश्तेदारों का पॉजिटिव प्रभाव आप पे नहीं है आप उनसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहते, मजबूरी मिल लेते हैं, तो ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। ये तीनों ही लॉज ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसरी कैपेबिलिटीज ऑफ अ न्यूबॉर्न, यानी नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है, यह स्टेटमेंट है। नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बच्चा है, ताजा ताजा एकदम जन्म हुआ है, कौन सी बात उसके सेंसरी कैपेबिलिटीज के बारे में, यानी उसके सेंसेस, उसके ज्ञानेंद्रियों के बारे में सही होंगे। तो पहला ऑप्शन है या पहला स्टेटमेंट है, हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, यानी जो जन्म से पहले ही श्रवण क्रियाशील होता है, यानी बच्चा जन्म से पहले ही गर्भ में ही सुनने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है। हाँ रमन कह रहे हैं आप तो अभी बहुत यंग हो, आपने बस अपनी जर्नी औरों से पहले शुरू कर दी थी, हाँ और बहुत ज्यादा काम हो गया कम समय में, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक स्लो चल रहे हैं और कुछ नहीं है, वो तो मैं मजाक में कहती हूँ, दिल पे मत ले लिया करो। देखो एक बार, हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, जन्म से पहले श्रवण क्रियाशील होता है, यानी जन्म से भी पहले हम अभिमन्यु की शिक्षा सुनते हैं कि भैया वो जो है गर्भ में सुन रहे थे सारी रणनीति, कैसे जो है चक्रव्यूह भेदन होता है, तो मतलब जन्म से पहले बच्चे के ऑडिटरी जो सेंसेस है वो एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई वेरीफाइड चीजें थोड़ी है मतलब उस चीज को लेकर के। तो हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, यानी जन्म से भी पहले हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, उदाहरण मैंने आपको दिया। फिर आता है सेकंड स्टेटमेंट, विजन इज द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ, यानी दृष्टि जन्म के समय सबसे कम विकसित इंद्रिय है बेसिकली, या ज्ञान इंद्रिय है, यानी विजन बहुत अच्छा नहीं होता बच्चे का जन्म के समय, और वो ठीक से बहुत क्लोज देख पाता है, और उसके इवन वो विजन सेट भी नहीं हो पाता बाहर। ठीक, तो ये दोनों ही बातें हमें सही लग रही है, तो हम जाएंगे बोथ वन एंड टू के साथ, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एट कुछ तो कह रहा है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी समावेशी शिक्षा, यानी हर एक बच्चा सीख पाएगा कक्षा के अंदर, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा जिसको हम कहते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी बात सही है इंडिया में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इन 2005 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर द इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज, यानी 2005 में इंडियन गवर्नमेंट, यानी तब तो होता था आपका MHRD, है ना, अभी हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रहे हैं जिसको, तो MHRD ने क्या किया, एक इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कोई प्लान लेकर के आए। देखो ये जो प्लान आया था इसको IEDC कहते हैं, एक्ट आया था बेसिकली, एक IEDC कहते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और ये 2009-10 में आया था ना कि 2005 में, ठीक है, 2009-10 में आया था ना कि 2005 में, और ये 9th से 12th तक के बच्चों के लिए कि उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, हर एक बच्चा सीख पाए, चाहे वो स्पेशली एबल्ड है यानी कोई डिसेबिलिटी है, चाहे गिफ्टेड है, चाहे धीरे सीखता है, हर बच्चा एक छत के नीचे सीख पाए। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये क्या है, एकदम गलत बात हो जाएगी, यानी गलत बात हो जाएगी, ये मुख सुख के लिए मैंने गलत बोल दिया, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, बात सही है नहीं। फिर आता है सेकेंड आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एनश्योर्स एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रिलीजन एबिलिटी एटसेट्रा, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति धर्म क्षमता आदि के बावजूद शिक्षा सुनिश्चित करता है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या, एबिलिटी है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष का बच्चा निःशुल्क शिक्षा ले सके, कोई भी उसको टेस्ट ना देना पड़े, है ना, कोई उसको फीस ना देनी पड़े एडमिशन के लिए। तो ये फर्स्ट जो बात है वो तो सही है, लेकिन मतलब सेकंड तो सही है बट फर्स्ट जो है वो सही नहीं मानेंगे हम, तो हम ओनली सेकंड के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, और इसको दिव्यांग लिखेगा ऊपर, जो ये विकलांग गलती से ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, ये कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द लोकल अथॉरिटी इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 वाला, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यानी कक्षा 1 से 8 तक के लिए आप निशुल्क शिक्षा दीजिए, कोई पैसा मत लीजिए, और अनिवार्य होनी चाहिए, यानी हर बच्चा स्कूल आए ये अनिवार्य है, अगर माँ बाप घर पे रख रहे हैं तो वो भी अपराधी होंगे इस केस में। ठीक, तो फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन, और आप फेल नहीं करेंगे 8th तक, फिर बाद में इसमें चेंजेस भी हुए कुछ, तो टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन, देखिए इसमें फीस तो ली ही नहीं जाती है ना, इसमें पूछा कि ड्यूटी क्या नहीं है लोकल अथॉरिटी की, लोकल अथॉरिटी छोड़ दीजिए, फीस होती ही नहीं, कैपिटेशन फीस नहीं है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ये कि एजुकेशन फ्री होगी, तो कैपिटेशन फी नहीं है यानी फीस नहीं ली जाएगी, पहला गलत हो गया। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स, हाँ टीचर्स के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये सब होगा। डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, हाँ अथॉरिटीज जो है एकेडमिक कैलेंडर भी डिसाइड करेंगी, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ लर्निंग, समस्या समाधान विधि लगभग हर एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार, तो सीखने की समस्या समाधान विधि या पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है,
यानी प्रॉब्लम सॉल्व करके बच्चा सीखे, उसके सामने कोई प्रॉब्लम पोज की जाएगी, फिर वो उसको टैकल करेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालेगा, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आ गोल इज टू बी रीच्ड, कोई एक गोल होता है यानी एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, तो वो गोल हो गया रीच करेगा जैसे बच्चा, ठीक है। सेकंड है चैलेंजिंग द फेल्ट डिफिकल्टी थ्रू कॉन्शियस प्लान्ड एंड पर्पसफुल अटैक, यानी जो भी डिफिकल्टी महसूस हो रही है उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा कि अच्छा ये समस्या है इसको ऐसे टैकल करेंगे, इसके लिए ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो एक प्लानिंग लगेगी प्रॉपर। और जैसे पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो कहां समस्या है आखिर, तो वो देखेंगे, फिर इतने घंटे पढ़ना है वो देखेंगे, कहां से पढ़ना है वो देखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा, एक पर्पस, एक पर्पसफुल प्लान होगा। दोनों ही बातें सही हैं, तो बोथ वन एंड टू सही हो गए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, 13 ही क्वेश्चन करने वाले हम लोग। डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, यानी डैश महिलाओं और पुरुषों के गुणों के बारे में अक्सर बिना किसी आधार के मान्यताओं और अपेक्षाओं का एक साझा लोकप्रिय समूह है, मतलब बस फैशन है, एक ट्रेंड है, वो भी पुराने टाइप का फैशन जो है, थोड़ा नया कह देते हैं हम, ये पुरानी गढ़ी हुई चीजें हैं, है ना, जो ऐसे पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स है कि महिलाओं को तो ऐसा होना चाहिए, पुरुषों को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को ये काम करना चाहिए, पुरुषों को ये काम करना चाहिए, ब्ला ब्ला ऐसी 50 चीजें हैं। तो ये पॉपुलर बिलीफ्स हैं जो चलते हैं सारे समाज में, ज्यादातर लोग मान ही रहे हैं, आम राय यही है ना, मेंटोस राय डिफरेंट होगी, ठीक। फिर उस पर कुछ लोग जो आम राय रखते हैं वो परेशान हो जाते हैं, छिड़ जाते हैं। तो डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों नहीं पढ़ा रहे लड़कियों को, कोई बेस नहीं है, है ना, कुछ भी फालतू का रीजन दे देंगे। तो या महिलाओं और पुरुषों के बारे में जो विचार है उनके आधार कुछ नहीं, कोई साइंटिफिक बात नहीं, कुछ नहीं है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, फिर ये सेक्स स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ये फीमेल्स और मेल्स की बात हो रही है, यानी लिंग रूढ़िबद्धता है। किसी धर्म के बारे में ऐसे विचार है कि फलाने ग्रुप के लोग ऐसे, इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, तो वो रिलीजियस स्टीरियोटाइप हो जाएंगे। एज के आधार पर छोटे बच्चे हैं तो मूर्ख होंगे, ऐसा मान लेते कई लोग, नहीं हम बड़े हैं हमें बहुत पता है, जबकि दुनिया में घर से बाहर निकल के ठीक से देखा भी नहीं। तो ये क्या होगा, ये आयु रूढ़िबद्धता कहलाएगी, एज स्टीरियोटाइप। सेल्फ स्टीरियोटाइप, ये भी बहुत तरह की जो है आपको यहाँ पे समाज में, मतलब बहुत तरह के स्टीरियोटाइप देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन हर एक चीज में लगभग स्टीरियोटाइप आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्टीरियोटाइप है पॉपुलर बिलीफ जो मान लिया गया है, जिसमें कोई लॉजिक है होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, रीड द गिवन लाइंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एजुकेशनल थिंकर, भाई आपको ये लाइंस पढ़नी है और देखना है कि किस थिंकर ने इन लाइंस को दिया है। तो दी गई पंक्तियों को पढ़ें और सही शैक्षिक विचारक की पहचान करें, उन्होंने विद्यालय के सामाजिक एवं नैतिक स्वरूप पर बल दिया, उनका मानना था कि एक स्कूल को लघु समुदाय, एक भ्रूणीय समाज के रूप में काम करना चाहिए। यानी किसने कहा है कि स्ट्रेस द सोशल एंड मॉरल नेचर ऑफ द स्कूल, ही बिलीव दैट अ स्कूल शुड सर्व एज अ मिनिएचर कम्युनिटी एंड एम्ब्रियोनिक सोसाइटी, यानी स्कूल को एक, इन्होंने ही कहा है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी शिक्षा ही जीवन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है कि मिनिएचर कम्युनिटी यानी समाज का छोटा सा रूप है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या रियल लाइफ या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए, बच्चों को रियल लाइफ से जुड़े, ठीक है, एक्टिविटी करके सिखाएं, लर्निंग बाय डूइंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि स्कूल क्या है, कम्युनिटी का ही एक छोटा रूप है, कम्युनिटी का ही मिनिएचर वर्जन है, यानी समाज एक बड़ा वर्जन हो गया उसका छोटा रूप, स्कूल में समाज से आ रहे हैं लोग, और एम्ब्रियोनिक सोसाइटी है, यानी आज जो हम स्कूल में माहौल बना रहे हैं वही कल का समाज भी होगा, ठीक। तो ये जॉन डूई कह रहे हैं, जॉन डूई या जॉन डीवी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की उन्होंने बात की, प्रगतिशील शिक्षा। आज के लिए आखिरी सवाल है आपके सामने, फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग में बी अ सिम्टम ऑफ